तो चलिए 25 बड़ी खबरों को देखने के बाद अब बात करते हैं आज की उन पांच खबरों की जो एजेंडे में रहेंगी, जो आज दिन भर पांच बड़ी खबरें हैं सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो पहला एजेंडा पश्चिम बंगाल से जुड़ा, चूंकि पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में अब महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और एमपी के डॉक्टर्स भी आ गए हैं। हड़ताली डॉक्टरों को अल्टीमेटम देने वाली ममता बनर्जी के तेवर नर्म हो गए हैं और अब वो काम पर लौटने की अपील डॉक्टरों से कर रही है। दूसरा एजेंडा पीएम मोदी किर्गिस्तान यात्रा पर है। जिनपिंग से बातचीत में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते, बातचीत के लिए पहले माहौल बनाए पाकिस्तान। और तीसरा एजेंडा है अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद पांच जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। शहीदों के घर मातम पसरा हुआ है, पूरे देश में बस एक ही सुर में एक आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान पर अब सर्जिकल नहीं, सीधी स्ट्राइक करो सरकार। चौथा एजेंडा है भारत लॉन्च करेगा अपना स्पेस स्टेशन। मिशन चंद्रयान 2 के बाद अंतरिक्ष में भारत की नजर शुक्र और सूरज तक है। 2022 में गगनयान मिशन लॉन्च करने का टारगेट है। पांचवा एजेंडा एयरफोर्स के 13 शहीदों की खबर से जुड़ा हुआ। अरुणाचल में AN-32 हादसे के शहीदों के पार्थिव शरीर अब उनके घरों को भेजे जा रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ है और जी न्यूज भी शहीदों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। तो एक एक करके तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले जिक्र पश्चिम बंगाल का, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल का जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी समेत 8 राज्यों के डॉक्टर पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में अखिल भारतीय प्रदर्शन करेंगे। एनआरएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिससे आम मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कोलकाता के एनआरएस हॉस्पिटल में सुबह मरीज की मौत के बाद विवाद शुरू हुआ था। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने मारपीट की और मारपीट के बाद जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का संकट गहरा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी के डॉक्टर पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में उतर आए हैं और अखिल भारतीय प्रदर्शन करेंगे। एनआरएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है। आम मरीज सबसे ज्यादा परेशान है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कोलकाता के एनआरएस हॉस्पिटल में सुबह एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। और हड़ताल का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जगह जगह अब पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स का समर्थन करने के लिए हड़ताल पर बाकी डॉक्टर्स भी उतर आए हैं। हमारे साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा जुड़ी हुई है, साथ ही हम कोलकाता का भी रुख करेंगे। पूजा मेहता मेरे साथ वहां पर है। सबसे पहले कोलकाता का रुख, पूजा आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का जो गुस्सा है वो तो थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी धमका रही है कि काम पर वापस लौटाओ, नहीं तो अस्पताल छोड़ दो, हॉस्टल छोड़ दो। क्या हालात है, कैसा असर है फिलहाल वहां? शिरीन आपको बता दें, हम उसी एनआरएस अस्पताल में हैं जहां पर सोमवार रात को उस जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की गई थी, क्योंकि जो पेशेंट के जो परिजन हैं उन्होंने मारपीट की थी इस डॉक्टर के साथ और उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई थी स्कल में। अभी भी उनकी ट्रीटमेंट जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि हम इमरजेंसी के सामने खड़े हैं, इमरजेंसी पूरी तरीके से बंद है। जूनियर डॉक्टर्स का जो सीज वर्क है अभी भी जारी है, वो अपने स्टैंड पे क्लियर है कि जब तक उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है वो यहाँ पे काम नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक और खबर दे दें कि एक क्रिटिकल पेशेंट आज जब सुबह एनआरएस अस्पताल आता है, उन्हें रोका नहीं गया, किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं डाली गई। जूनियर डॉक्टर्स जो है उन्होंने अलाउ किया उस क्रिटिकल पेशेंट को और फिलहाल उनकी जो ट्रीटमेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शुरू हुई है। लेकिन उसके अलावा अगर ओपीडी की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, तो पूरी तरीके से बंद है। जूनियर डॉक्टर्स का जो सीज वर्क है वो चल रहा है, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता
रहा है और सीनियर डॉक्टर अगर उन्हें ट्रीट करना चाहे तो उस पर किसी भी तरीके से बाधा नहीं डाली जा रही है। एक बात आपको और भी बता दी, क्योंकि आज पांचवा दिन है एजिटेशन का। कल जिस तरीके से हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना बयान दिया, वो ना ही तो इन जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, ना ही उनके साथ खड़ी हुई, लेकिन जिस तरीके से एक हाई हैंडेडनेस दिखाई और ये कह दिया और दो घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि उन्हें काम पर लौटना होगा वरना उन्हें हॉस्टल को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी बस एक ही डिमांड है जो प्रशासन आराम से फुलफिल कर सकता है, वो ये है कि आम पुलिस ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी जाए सरकारी अस्पतालों में और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया जाए, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई है। हाल ही में हमने देखा है कई जगहों पर कई अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मरीज के जो परिजन है वो मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लीटली जो है इनएक्टिव रहती है या प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके से जूनियर डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। यही सवाल है यहाँ पर कि आखिर ममता बनर्जी इस मामले में भी राजनीति पर उतर आई हैं, वो बीजेपी पर आरोप तो मढ़ रही हैं लेकिन कम से कम इस समस्या का समाधान कैसे निकले, इस तरफ कोई भी फिलहाल वो कदम उठाती नहीं दिख रही है। दिल्ली का भी रुख करेंगे, कविता शर्मा मेरे साथ है। कविता, थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने आपने हमें दिखाई थी किस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं, अभी कैसी तस्वीरें हैं, किस तरह का असर, चूंकि अब दिन बढ़ता रहेगा, मरीज पहुंचते रहेंगे, दिक्कतें हो रही होंगी। बिल्कुल, मेरे साथ कई सारे मरीज है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया? मैम, जो मेरा छोटा ब्रदर है उसको ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में, तो ब्लड ना बनने के कारण उसको कलावती हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ से एक महीने से इलाज चला, उन लोगों ने एम्स में भेजा है कल रात को, तो कल हम रात में यहाँ आया, उसके बाद कल उनसे हमने कहा तो उन लोगों ने एक पर्ची बनाई, उसके बाद इस पर्ची के बाद कहा कल आपको ओपीडी हड़ताल है, मना कर दिया। हाँ, सीधा मना कर। आप बताइए सर, क्या? मैम, मैं इसको दिखाने आया था मंगलवार को, बोले थे उस फ्राइडे को आना और दिखाना, मैं आज गया हूँ तो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ और डॉक्टर का स्ट्राइक है और बच्चे को देखो बहुत परेशानी है, बार बार गिर जाती है, चक्कर आता है। उसी दिन फ्राइडे ट्यूसडे को बताना चाहिए था जो आपको अपॉइंटमेंट लेके आना, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। अभी हड़ताल है, कुछ बताया है आगे कब होगा या कुछ? नहीं मैम, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं। पीसीआर में गया हूँ, कह रहा है लाइन लगाए, 11 बजे काउंटर खोलेगा। फिर कितने लोग हैं अंदर, कितनी बड़ी लाइन है? लाइन है कम से कम अभी 300-400 की लाइन लगी पड़ी है, 400 मरीजों की लाइन है। खैर, ये तो हम लोगों से बात कर रहे थे, देखिए ये परेशानी है और अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और जैसे जैसे प्रोटेस्ट और भी उग्र होगा उसका असर जरूर दिखेगा। आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर शीन की एम्स अस्पताल के सभी गेटों पर दिल्ली पुलिस तैनात हो गई है। 9 बजे का समय था, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं अब बाहर आएंगे और वो जो है सिलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, हेलमेट पहनकर, काली पट्टियां पहनकर विरोध करेंगे। और ये मसला ऐसा है, डॉक्टरों के साथ जो मारपीट का मसला है ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इससे पहले भी एम्स में ऐसी कई घटनाएं होती जिसमें हमने देखा था कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे गए थे और शायद यही वजह है कि जब इसको लेकर राजनीति शुरू हो तो सारे ही पैन इंडिया देशभर के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो एकजुट हुए हैं और लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसका असर दिखता नजर आ रहा है। बहुत से मरीज हैं लगातार शिरीन जो अस्पताल के बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तकलीफ को देखने वाला यहाँ पर अस्पताल में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो मरीज परेशान है सीधे तौर पर, लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स अपनी परेशानी की वजह से ममता बनर्जी से उम्मीद तो लगा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का जो रवैया है वो वाकई सवाल खड़े करता है कि आखिर डॉक्टर्स की समस्या का समाधान करने के बजाय वो सीधे सीधे उन्हें धमका रही है कि अगर काम पर नहीं लौटेंगे तो हॉस्टल छोड़ना होगा, काम से हाथ धोना पड़ेगा। शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें, बातचीत हमसे करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बिश्केक में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर फिर से अलग थलग कर दिया है और इसी के साथ पीएम मोदी ने चीन को भी इशारों इशारों में संदेश दे दिया कि वो पाकिस्तान को समझा सकता है तो समझा दे। एससीओ समिट में पहले दिन पीएम मोदी की चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से बातचीत हुई, वहीं आज पीएम मोदी ईरान और साथ ही किर्गिस्तान से भी द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। एक शिखर सम्मेलन, 48 घंटे और हिंदुस्तान का डंका, ये दो ताकतवर तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी ने आतंक के खिलाफ अभियान को अब ग्लोबल बना दिया है, क्योंकि भारत अब तय कर चुका है कि दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान के प्रायोजित आतंक के बारे में दुनिया को बताया जाएगा और पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। Some of the issues that we had been able to resolve
Through that strategic communication included issue relating to the listing of Masood Azhar in the 1267 sanctions committee. प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को जन्मदिन से पहले बधाई दी। 15 जून को शी जिनपिंग का जन्मदिन है। पीएम मोदी ने कहा कि नए कार्यकाल में जिनपिंग के साथ मिलकर वो दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। 15 जून को आपका जन्मदिन है, उसके लिए मेरी तरफ से और भारत के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिश्केक में पीएम मोदी के 48 घंटे पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब भारत आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी लड़ाई की अगुवाई करने जा रहा है। आतंक पर मोदी दुनिया से स्पष्ट भाषा में कह चुके हैं कि गुड टेरर और बैड टेरर के फर्क को खत्म करना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, और फोकस रहा आतंकवाद पे, ट्रेड पे, और बड़ा मसला जो था कैसे दोनों देश आपस में जो रिश्ते हैं जो वो कैसे अच्छे करे जा सके। आतंकवाद पर पीएम मोदी दुनिया के अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ संदेश दे चुके हैं। अच्छे और बुरे आतंकवादियों में फर्क करना दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। आतंकवाद पर पानी अब सिर से ऊपर निकल रहा है। पूरी दुनिया को बातों की जगह आतंकवाद पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका के साथ मिलकर चरमपंथी इस्लामी आतंकवाद को खत्म करेंगे। आज वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया और अधिक सशक्त होगा। साफ है कि अगले 24 घंटों में एससीओ शिखर सम्मेलन के जरिए भारत पूरी दुनिया को यह बताकर ही निकलेगा कि आतंक के गढ़ पाकिस्तान को अलग थलग किए बिना आतंक का अंत मुमकिन नहीं है। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, बिश्केक, किर्गिस्तान। और बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम क्या है, अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव से उनकी मुलाकात होनी है सुबह 10 बजे। इसके बाद 10:30 बजे एससीओ की एक गोपनीय बैठक में शामिल होंगे पीएम। फिर दोपहर 12 बजे एक विस्तृत बैठक होगी जिसमें हिस्सा लेंगे और अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। दोपहर 3:55 पर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। फिर शाम 4:30 भारत किर्गिज व्यापार मंच का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। शाम 6:00 पीएम अला अर्का प्रेसिडेंशियल पैलेस में औपचारिक स्वागत में हिस्सा लेंगे। शाम 6:20 पर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेम्बेकोव के साथ बैठक करेंगे। शाम 7:00 प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है। शाम 7:40 पर कुछ और समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिर 8:00 पीएम मोदी की तरफ से प्रेस को एक बयान जारी किया जाएगा और रात 10:00 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं। अनंतनाग हमले के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश आईएसआई ने रची। मुश्ताक अहमद जरगर के जरिए हमला करवाया गया। जरगर पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में रहता है और वहीं से कश्मीर में आतंकियों की मदद से हमले को अंजाम दिया गया। IC-814 कंधार कांड में 20 साल पहले जरगर को भारत ने अपने नागरिकों के बदले रिहा किया था। आज वही जरगर आईएसआई के हाथ की कठपुतली बनकर भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की मदद से जरगर ने जैश और हिजबुल के आतंकियों से हमला कराया था। देश अब मोदी सरकार से बालाकोट हमले की तरह बदला मांग रहा है। और AN-32 हादसे के शहीदों का पार्थिव शरीर आज उनके घर लाया जा रहा है। गुरुवार को शहीदों के पार्थिव शरीर को रेस्क्यू टीम ने लिफ्ट करके बाहर निकाला था। AN-32 में विंग कमांडर GM-4 समेत एयरफोर्स के 13 जाबाज सवार थे। 3 जून को उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद AN-32 से संपर्क टूट गया था। हादसे वाली जगह से AN-32 विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने से हादसे की वजह का पता चल सकता है। शहीदों के परिवार के लोग पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। और भारत ने स्पेस क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने अपना इस स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान किया है। इसरो ने इस स्पेस प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष सेल बनाया है जिसे गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का नाम दिया गया है। भारत का इस स्पेस स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक की मदद से तैयार किया जाएगा।
और इसी के साथ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी।